हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने एक शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर लॉ ऑफिसर। वैसे इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 258 निकाली है, क्योंकि हम सिर्फ लॉ वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करते हैं तो लॉ वैकेंसी सिर्फ 9 निकाली गई है। 9 वैकेंसी आपके लिए जूनियर लॉ ऑफिसर के लिए निकाली गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इस शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट में अभी एक चीज और बताई गई है कि आपके रजिस्ट्रेशन 19th of July 2023 से चालू होंगे। आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आपका इंटरफेस खुल जाएगा और वहां पर आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाकी सारी चीजें कि क्या एज क्राइटेरिया और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये सारी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अभी हाउसिंग बोर्ड ने पब्लिश नहीं करा है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। जब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा बाय हाउसिंग बोर्ड, तब मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स एक बार फिर से बता दूंगा। मैं चाहता था आपको जल्दी से जल्दी इसकी नॉलेज मिल जाए, आपको पता चल जाए इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इसलिए मैं शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट को भी आपको बता रहा हूँ। अब जो लास्ट टाइम इन्होंने डिटेल्स रखी थी वही इस साल भी होंगी जहां तक मुझे लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज क्या होने वाली है। एज आपकी अगर आप 18 टू 42 के इन बिटवीन लाए करते हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद अगर आप सब चीजों में पास होते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपके कब से चालू होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19th ऑफ जुलाई 2023 से आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रखी गई है 18th of August 2023। 18 अगस्त से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फी कंप्लीट कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। जो कि इन्होंने एप्लीकेशन फी रखी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 600, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 400 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 400 की एग्जामिनेशन फी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है। सैलरी आपकी 4.5 लाख से लेके 7 लाख के इन बिटवीन एनुअली होने वाली है। एग्जाम आपका कैसा होने वाला है, 450 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 3 घंटे का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी, अगर आप अभी डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं हुआ है ना कि आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक चालू हुआ है, ये मैं आपको टाइमली पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता था। जब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आएगा मैं आपको तब भी इन्फॉर्म कर दूंगा और उसके में वीडियो बना दूंगा। अभी नीचे आपको स्टिल मैंने लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, अब वहां जाके क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप अगर चाहते हैं कि आपको टाइमली लॉ की सारी वैकेंसीज के बारे में पता चल जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको हर चीज रिगार्डिंग इंटर्नशिप, रिगार्डिंग लॉ वैकेंसी, रिगार्डिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज, आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिल जाती है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी और वो उसे मिस आउट कर गए, तो ये चीजें आप मिस ना करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।